सो हेलो एवरीवन, प्रीवियस वीडियो में आपने जो है कुछ कॉन्सेप्ट डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन के देखे थे। जैसे आपने देखा था लिस्ट स्टाइल कैटेगरीज, यूज़ फिल फॉर्मेट टू अप्लाई एंड क्रिएट एंड अपडेट। ओके, ये प्रीवियस वीडियो में हमने देख लिया था। आज की क्लास में हम देखेंगे लोड ए स्टाइल फ्रॉम टेम्पलेट एंड अडोनर डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो इसके लिए हम सबसे पहले अपने स्टाइल ऑप्शन को यहाँ पर क्लिक करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपने अगर इसको ध्यान से पढ़ा होगा, लोड ए स्टाइल फ्रॉम अ टेम्पलेट और अनोदर डॉक्यूमेंट। अनोदर डॉक्यूमेंट मतलब हमें एक नया डॉक्यूमेंट बनाना पड़ेगा। और टेम्पलेट क्या होते हैं? टेम्पलेट प्री डिफाइंड डिज़ाइन होते हैं, प्री डिफाइंड फॉर्मेट होते हैं, जिनका यूज हम कर सकते हैं। चलिए हम एक नया बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पर नया बनाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे दिस इज़ माई न्यू पेज। ओके, दिस इज़ माई न्यू पेज। तो अब दिस इज माई न्यू पेज को ये थोड़ा सा हम फॉर्मेटिंग भी देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं, है ना, और एक नया चीज़ दे देते हैं, थोड़ा सा एक अलग ही दिखे, है ना। तो इस तरह से इसको मैंने किया और इसको हम थोड़ा सा नई स्टाइल देते हैं, न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन। इसका नाम देते हैं न्यू स्टाइल। ठीक है, न्यू स्टाइल। अब इसको देखिए, न्यू स्टाइल इस नाम से है, इसको ओके करेंगे। फाइल को सेव भी करेंगे, फाइल को सेव कर देंगे। ठीक है, फाइल को सेव करेंगे कहाँ पे? डेस्कटॉप पे। आप यहाँ देख सकते हैं डेस्कटॉप में ये है। ठीक है, तो इसका नाम मैंने लिख दिया, कुछ भी दे दीजिए, इसका नाम दे दीजिए आप न्यू फाइल। ठीक है, न्यू कर दीजिए, सिंपल न्यू। अब इसका एक्सटेंशन देखिए, इसका एक्सटेंशन होता है ODF। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको, आप सेव कर दीजिए। इतना करने के बाद आपको इस फाइल को बंद कर देना है और अपनी प्रीवियस फाइल में आ जाना है। देखिए प्रीवियस फाइल में आ गए हैं। ठीक है ना, प्रीवियस फाइल में आप आ गए हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, प्रीवियस फाइल में आपको क्या करना है, हम सीख रहे हैं लोड अ स्टाइल फ्रॉम अ टेम्पलेट और अनदर टेम्पलेट। तो आपका क्या करना है, आपको यहाँ पे क्लिक करेंगे और एक ऑप्शन है आपको राइट साइड में मिलेगा, लोड स्टाइल। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको कैटेगरीज और टेम्पलेट में कुछ नहीं करना, आप क्लिक करना है फ्रॉम फाइल में। ठीक है, अब आपको अपनी फाइल यहाँ पे सर्च करना है। आपने अपनी फाइल का नाम दिया था न्यू, इसको आप क्लिक करके ओपन कर देंगे। ठीक है, जैसे ही आप ओपन करेंगे तो आप यहाँ पे जब क्लिक करेंगे आपको वो ऑप्शन दिख जाएगा। ठीक है, आपने क्या दिया था, न्यू स्टाइल करके दिया था। ठीक है, न्यू स्टाइल, ये देखिए न्यू स्टाइल। ये अगर ये आपने दूसरी फाइल में बनाया था ये स्टाइल, लेकिन वो दूसरी फाइल की स्टाइल हमारे इस फाइल में दिखाई दे रही है यूजिंग लोड टेम्पलेट से। ठीक है, हमने इसको लोड कर लिया है। ठीक है, अब कैसे हम जानेंगे कि ये काम कर रहा है कि नहीं, तो उसके लिए हम किसी भी सेंटेंस को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं और इसके ऊपर डबल क्लिक करते हैं। तो आप देखेंगे जो फॉर्मेटिंग, जो स्टाइल उसमें बनाई गई थी, वो इसमें भी अप्लाई हो रही है। आए एक और करके देख लेते हैं। इसको हमने सिलेक्ट किया और इसके ऊपर डबल क्लिक किया हमने, ये देखिए डबल क्लिक करते हैं तो ये भी हो गया। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि हम किस तरह से हम इसको लोड कर सकते हैं और उसमें चेंजेस अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए एक लास्ट हम समझते हैं, इनको हम चेंजेस को हम अंडू कर देते हैं। ये देखिए अब लास्ट है हमारा, क्रिएट अ न्यू स्टाइल यूजिंग ड्रैग एंड ड्रॉप। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपल आपको इसको सिलेक्ट करना है। ठीक है, आप इसको थोड़ा सा साइज बढ़ा दें, इसको थोड़ा सा डिजाइन दे दें। ओके, अब इसी चीज़ को आपको स्टाइल बनाना है, तो इससे आप माउस से ड्रैग करें और ड्रैग करके यहाँ पे जाके छोड़ दें। ये देखिए प्लस साइन है, छोड़ दें। जैसे ही छोड़ेंगे तो आप इस, आपको यहाँ पे नाम पूछेगा आपसे कि आपको नाम क्या देना है। तो आप इसका नाम कुछ भी दे सकते हैं, आप देख सकते हैं ड्रैग स्टाइल। ठीक है, आप कुछ भी दे सकते हैं, मैं सिर्फ समझाने के लिए दे रहा हूँ। ठीक है, ड्रैग स्टाइल, इसको ओके कर दिया। तो आप देखेंगे ड्रैग स्टाइल यहाँ पे अप्लाई हो गई है। अब आप ये काम कर रही है कि नहीं, उसको जानने के लिए आप इसमें किसी भी सेंटेंस को क्लिक करें और इसके ऊपर डबल क्लिक करें। ये देखिए वो भी इसी स्टाइल में हो जाएगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट है इस पर्टिकुलर टॉपिक में तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।